नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बाजार में खूब मूली आई हुई है और मूली की भुर्जी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है, यानी कि मूली की सब्जी आप एक बार बनाओगे जो नहीं भी खाते हैं ना वो भी खाना शुरू कर देंगे अगर आप इस तरीके से बनाओगे। तो मूली बहुत ही पौष्टिक होती है, बहुत ही हेल्दी होती है खानी, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका बिल्कुल सही रहता है, तो इसे ज़रूर खानी चाहिए और स्पेशली जब मूली का सीज़न हो। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया ये हमारी मूली की सब्जी बनी है, बहुत ही टेम्पटिंग है। इसे चपाती के साथ खाएं, पूड़ी के साथ खाएं, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये मैंने 3 मूलियाँ ली हैं और बिल्कुल फ्रेश जो है हमने मूली लेनी है, इस तरह से बिल्कुल फ्रेश मूली। पत्ते देख रहे हैं आप इसके कितने फ्रेश हैं, तो इस तरह की मूली लेनी है जिसके पत्ते भी बिल्कुल फ्रेश हो, ताज़ी मूली। तो ये हमने 3 मूलियाँ ली हैं और हम 2 मूली की सब्जी बनाएंगे और 1 मूली जो है इसके खाली पत्ते लेंगे एक्स्ट्रा। तो पत्ते हम इस तरह से निकाल लेते हैं तोड़कर मूली को, तो इस तरह से मूली को तोड़ लें, पत्ते अलग कर लें और मूली को अलग कर लें। ये देखिए तो पत्ते हमने अलग कर लिए, तो 2 मूली ले लेंगे और 1 मूली को साइड कर देंगे और मूली में अगर कोई पीला पत्ता इस तरह से हो तो उसको निकाल लेंगे। तो ये 3 मूलियों के जो पत्ते हैं इनको डंठल के समेत हमने यूज करना। मूली के बहुत ही फायदे होते हैं, जिसकी भी पाचन शक्ति कमज़ोर होती है उसको मूली की सब्जी खानी चाहिए, बहुत ही बढ़िया बनती है और उसको बहुत ही फायदा करती है। तो इस तरह से आगे से जो है हम थोड़ी सी कट कर देंगे, इस तरह से इसके जो आगे का पोर्शन है इस तरह से, तो इसको कट कर देंगे, साइड कर देंगे और बाकी मूली को हम इस तरह से डंडियों के समेत ही हमने इसको कट कर लेना है। डंडियाँ जो है सब्जी में बहुत ही टेस्टी लगती है, डंडियों के समेत ही हमने इस तरह से इसको कट कर लेना है। डंडियाँ बहुत ही जूसी होती हैं और ये सब्जी में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो इसको जो है ये ना करें कि खाली पत्ते पत्ते काट लें और डंडियों को रहने दें, तो डंडियाँ हम यूज़ करेंगे। इस तरह से हमने सारे जो है मूली के पत्ते जो है इस तरह से हमने कट कर लेने, ये देखिए बारीक बारीक इस तरह से कट कर लेंगे। फ्रेश पत्ते हैं, जल्दी से कट भी हो जाते हैं, ये देखिए इस तरह से बारीक बारीक इसको कट कर लीजिए। जितनी आपसे बारीक कट होती है उस तरह से इस तरह से पत्ते जो हैं इसके बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो सारी मूली के पत्तों को हमने कट कर लिया, आप देख सकते हो कितनी ये फ्रेश लग रही है। इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और अब लेंगे हम इस तरह से मूली और दोनों मूलियों को हमने पहले तो इसका छिलका निकाल लेना है, इसको पील कर लेंगे इस तरह से। पत्ते जो है इसमें बहुत टेस्टी लगते हैं और पत्तों के बहुत ही गुण हैं, तो पत्ते जो है ज़्यादा डालें और मूली जो है इसको भी आप, अगर आपको मूली ज़्यादा पसंद है तो मूली भी आप ज़्यादा डाल सकते हो, लेकिन मुझे इसमें पत्तों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इसमें मूली थोड़ी डालूंगी। और पत्ते जो है ज़्यादा डालने से क्या होगा, एक तो टेस्ट अच्छा लगेगा, ऊपर से सब्जी में करारापन आएगा। जब हम मूली ज़्यादा डाल लेते हैं तो सब्जी में करारापन जो है उसका ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से हमने सारी मूलियों को छील लेना, ये तो मूली हमने छील लिए और पत्तों को साइड कर लेंगे और अब इन मूलियों को दोनों तरफ से हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से हमने कट कर लेना है और इस तरह से छोटे छोटे कट कर लेंगे और छोटे छोटे पीसेस में इसको हमने इस तरह से कट करना है। ज़्यादा बड़ा जो है मूली को हम नहीं काटेंगे, ये देखिए हमने इस तरह से मूली को कट करना है, ये देखिए इस साइज की, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इसको ज़्यादा बड़ा नहीं कट करना है, छोटा छोटा कट करेंगे। अगर ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा मोटा मोटा कट करोगे तो क्या होगा कि बिल्कुल करारापन सब्जी में नहीं आएगा, टेस्टी नहीं लगेगी आपको। तो इस तरह से छोटी छोटी कट कर लें। तो सारी मूली को हमने इस तरह से कट करके रेडी कर लेना है, इस तरह से जैसे प्याज कट करते हैं उस तरह से कट कर लीजिए, उससे बारीक प्याज कट करते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा साइज, ये देखिए इस तरह से। तो सारी मूली को हमने ऐसे कट कर, सारी मूलियों को हमने कट कर लिया। तो अब पत्तों के अंदर इस मूली को डाल देंगे इस तरह से और डालकर इसको अच्छे से वॉश, आप चाहो तो
कट करने से पहले भी मूली को धो सकते हो अच्छे से और फिर उसको कट कर सकते हो। तो लीजिए, सारी मूली और उसके पत्तों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया, 5-6 बार खुले पानी में इसको अच्छे से धो लिया। तो चलते हैं अब गैस की तरफ, और ये कढ़ाई को हमने रख दिया गैस पे। इसके लिए मैंने लिए लोहे की कढ़ाई। तो इसको लोहे की कढ़ाई में बनाएं, सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। और ना हो लोहे की कढ़ाई तो फिर आप किसी भी कढ़ाई में बना लें, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास है तो लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं। अब डालेंगे इसमें हम सरसों का तेल। तो इसमें कंजूसी ना करें तेल डालने की, क्योंकि तेल इसमें कम जो है सब्जी में अच्छा नहीं लगता है। और इतना ज़्यादा भी ना डालें कि इसे प्लेट में डालें तो प्लेट में से तेल तेली हो जाए। तो जितना आप रूटीन में डालते हो हल्का सा ज़्यादा डाल सकते हो, और नहीं डालना चाहते हो तो रहने भी दे सकते हो, लेकिन डालोगे तो सब्जी का टेस्ट बढ़िया आएगा। तो तेल को हमने अच्छे से, मस्टर्ड ऑयल हमने डाला है सरसों का तेल, और इसको जलने देते हैं। इसका कड़वापन जो है दूर हो जाएगा, और स्मेल जो बहुत स्ट्रांग होती है वो भी निकल जाएगी इसकी। अच्छे से तेल में से धुआं निकल रहा है आप देख सकते हो, और अच्छे से तेल हमारा जल चुका है। स्टेज पे गैस को बंद कर देंगे और इसको हल्का ठंडा होने देते हैं। तो ऑयल ठंडा हो चुका है, और फिर से दोबारा से हमने गैस को कर दिया ऑन। इसके अंदर डाल देंगे 1/3 स्पून के करीब जीरा, और इसके साथ ही डाल देंगे हम अदरक, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ अदरक है ये देख सकते हो। तो ये डाल देंगे अदरक, बहुत ही बढ़िया लगता है इसमें। आप अपने स्वाद के अनुसार अदरक डाल सकते हो। मैं जो है इसमें 4 छोटे चम्मच डाल रही हूँ, मुझे अदरक इसमें बहुत पसंद है। तो ये जब फ्राई होता है तो थोड़ा सा रह जाता है, तो अदरक खूब सारा डालें इसमें, बहुत टेस्टी लगता है। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च, तो 3 से 4 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च डाल देंगे इसमें। इसके अंदर डालेंगे और बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए हींग, हींग इसमें बहुत अच्छी लगती है। 1/3 स्पून के करीब इसमें हींग डालेंगे, और अच्छे से इसको मिला लेंगे। हल्का हल्का ब्राउन करेंगे अदरक को, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का ही इसको ब्राउन हो जाए। इस चीज़ से जब ये हल्का हल्का ब्राउन हो जाए, आप देख सकते हो गोल्डन ब्राउन हो गया है। अपनी जितने भी मूली के पत्ते और मूली हैं वो इसमें डाल देंगे। और इस चीज़ पे इसमें डाल देंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए। मैं जो है इसमें 1 चम्मच पूरा भरकर डाल दूँ नमक का। इसके साथ ही इसमें डालेंगे लाल देगी मिर्च, लाल देगी मिर्च जो है मैं इसमें तकरीबन 1/2 चम्मच के करीब डालूंगी। अब डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, और इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना। गैस का फ्लेम तेज़ है, अच्छे से मिला लेंगे। आप देखोगे कि ये साथ ही नीचे नीचे बैठने लगती है, ये बहुत पानी छोड़ती है, इसमें पानी बहुत होता है। आप सबको मालूम होगा कि इसमें पानी की कंटेंट काफ़ी होती है मूली के अंदर, तो ये जल्दी नीचे अपना पानी छोड़ देती है। इसको बनाने के टाइम पे हमें ज़्यादा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ में हल्का सा पानी डाल लेंगे इसमें, बस 2-3 चम्मच पानी डाल के इसको एक बार इस तरह से हिला लेंगे हल्का हल्का, और इसको ढक देंगे। ढक के गैस का फ्लेम हल्का कर देंगे, और हल्का सा जो मूली है उसको गलने देंगे। तो 2 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से हल्के फ्लेम में रखते हैं। तो 2 मिनट के लिए हल्के फ्लेम में हम इसको इसी तरह से ढककर रखते हैं। तो 2 मिनट हो चुके हैं, एक बार इसको उठाकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हो काफ़ी पानी है। इस स्टेज पर गैस का फ्लेम हमने फुल कर देना है, और इसको एक बार हिला लेना है। अब हम इसको ढक देंगे, ढक कर तेज गैस पे पकाएंगे। हमने मूली को बिल्कुल नहीं गलाना है, थोड़ा सा हल्का क्रंची रहने देना है, बिल्कुल इसको नहीं गलाएंगे, हल्का क्रंची रहने देंगे। तो हमने गैस का फ्लेम फुल कर दिया, और इस तरह से इसको सारा सूखने देते हैं पानी को। बीच बीच में चेक करते रहिए। तो एक बार दोबारा उठाकर देख लेते हैं, एक बार हिला लेते हैं। अभी भी इसमें थोड़ा पानी है, इसको भी सुखा लेंगे, फ्लेम तेज रखेंगे। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हो अभी भी साइड पे थोड़ा सा पानी है इसमें, हिला लेंगे इसको। अब गैस को हम ढकेंगे नहीं, सॉरी, एक बार फिर से हिलाकर इसको देख लेते हैं। अभी भी आप देख सकते हो कि इसमें पानी है। अब हम इसको ढकेंगे नहीं सब्जी को, और अब हम खुले में ही जो है तेज गैस पे इसको होने देते हैं। ये ऑलमोस्ट हो चुकी है, हमने सिर्फ इसको हल्का सा भूनना है। तो इसमें अब हम डाल देंगे सूखा धनिया,
धनिया पाउडर डालेंगे इसमें आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा और करारापन भी आएगा। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा 1/3 स्पून के करीब ही अमचूर पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल तेज़ रखा हुआ है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से इसको भुनने देंगे तेज फ्लेम पे, इसको हिलाते रहेंगे। और इस तरह से इसको भूनते रहेंगे। अच्छे से हमारा जो मूली है वो भी सॉफ्ट हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। ये देखिए मूली, ये देखिए आप देख सकते हो मूली बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। इसी तरह से हमने इसको करना है। तो तेज फ्लेम में हमें इसको हिलाते रहना है इस तरह से, और करारापन जो है इसके अंदर तभी आएगा। 1/3 स्पून के करीब हम इसमें डाल देंगे घर का बना हुआ गरम मसाला। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल में आप देख सकते हो, और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको पड़े रहने दीजिए, जब हल्का हल्का आपको लगे कि नीचे से ये लगने लगा है तब इसको हिलाएं, उस स्टेज पे इसमें करारापन आएगा। तो लीजिए सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, तो इसको अब हम करेंगे सर्व। तो लीजिए कोई भी बोल जिसमें आपने सब्जी को सर्व करना है, और मूली की सब्जी को डालिए इसके अंदर। लग रही है ना बढ़िया, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेम्पटिंग लगती है। इसको चपाती के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, बहुत ही यम्मी लगती है। साथ में ले दाल, और इसका जो मैश है वो दाल के साथ, दाल के साथ ये हल्की हल्की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। कोई भी दाल के साथ आप इसको खा सकते हो, आप इसको कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खा सकते हो, चनों के साथ खा सकते हो, राजमा के साथ खा सकते हो, कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी आपके घर में बनी हो तो आप उसके साथ इसको खाएं, बहुत ही ये यमी लगती है। कई लोग तो चपाती के साथ तो खाते ही हैं लोग इसको, लेकिन कई लोग तो पूड़ी के साथ भी इसको खाना बहुत पसंद करते हैं, बहुत टेस्टी लगती है ये। तो ये मूली की सब्जी को मूली की भुर्जी भी कहा जाता है। आप इसको बनाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए अगर आपको पसंद आती है। तो ये बहुत ही टेस्टी बढ़िया सी मूली की भुर्जी कह सकते हो या मूली की सब्जी कह सकते हो तैयार हो गई है। इसे आप चपाती के साथ तो खा ही सकते हो, कई लोग पूरी के साथ भी खाना इसको बहुत पसंद करते हैं। बनी हुई पूरी, वो ठंडी पूरी और गर्म सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरा चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।